होटल राजमहल एपिसोड 64 रूम नंबर 001। विशाल के सोने के बाद दिव्या कुछ ढूंढती हुई होटल राजमहल में इधर उधर घूमने लगी। तभी झन झन की आवाज करती हुई एक लड़की के पीछे पीछे दिव्या ग्राउंड फ्लोर पर बने रूम नंबर 001 के अंदर चली गई और अंदर जाकर उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। आखिर दिव्या ढूंढ क्या रही है और ये कमरा 001 किसका है? वो कमरा कोई ऐसा वैसा कमरा नहीं है, बल्कि वो शायद इस होटल का सबसे बड़ा और आलीशान कमरा है। उसके अंदर लिविंग रूम एरिया में एक बहुत बड़ा झूमर लगा हुआ है जो देखने में बेहद शानदार लग रहा है। उस कमरे की चेयर से लेकर अलमारी तक लकड़ी का काफी बारीक काम साफ दिखाई दे रहा है। उस कमरे की सजावट में रखी हुई हर एक चीज काफी शानदार और कीमती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा होता है जैसे ये कमरा किसी खास इंसान का हो। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी वहां पर मौजूद सन्नाटे और दहशत की वजह से दिव्या एक पल भी वहां नहीं रहना चाहती। उस कमरे में हर जगह सिर्फ धूल ही धूल है, जैसे सदियों से कोई इस कमरे में ना गया हो। यहां तक कि बिस्तर पर भी धूल की चादर बिछी हुई है। दिव्या वहां पर ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है और उसने तुरंत खांसते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया है। लेकिन अंदर घुसकर जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो सामने बेड से लगी हुई दीवार पर एक बहुत बड़ी तस्वीर उसे दिखाई देती है। उस तस्वीर को देखकर दिव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस तस्वीर में एक आदमी अपने घोड़े के पास खड़ा है और उसके हाथ में एक बंदूक है, जैसे वो शिकार करने जा रहा हो। उसका दूसरा हाथ उसकी मूंछों को ताव दे रहा है। वो आदमी दिखने में काफी हैंडसम और डैशिंग नजर आ रहा है। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मल्लिका के मंगेतर राजवीर की है। दिव्या ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि राजवीर का होगा। उसने तुरंत हैरानी से अपना चेहरा घुमाकर देखा तो जगह जगह पर राजवीर और मल्लिका की साथ में तस्वीरें लगी हुई हैं। हर एक तस्वीर में वो दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक हैं और उन दोनों के बीच का प्यार और करीबी साफ देखी जा सकती है। दिव्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता और वो बेसुध होकर एक टक उन सारी तस्वीरों को देखे जा रही होती है। तभी अचानक से जाने कहां से उस बंद कमरे में एक हवा का झोंका आया और उस पूरे कमरे में धूल का बवंडर छा गया और उस धूल ने एक डरावनी औरत का रूप लेते हुए कहा, चले जाओ यहां से, नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। ये देखते ही दिव्या की रूह तक कांप गई और देखते ही देखते वो आकृति नीचे मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। उसी वक्त अचानक से दिव्या अपने होश में आई और वो तुरंत उसी तरह से खांसते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन अचानक से उसके दिल से आवाज आई, अगर तू आज कुछ नहीं कर पाई तो शायद कभी नहीं कर पाएगी। इतना सोचते ही दिव्या वापस से मुड़कर कमरे को अच्छे से देखने लगी। वो सबसे पहले लिविंग रूम एरिया में रखे हुए टेबल के पास गई जो दिखने में काफी एंटीक और पुराना नजर आ रहा है। उसने तुरंत उस टेबल की दराज खोलकर वहां तलाशी लेनी शुरू कर दी, मगर बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे कुछ भी नजर नहीं आया। इसके बाद वो सीधा अलमारी के पास गई और एक एक करके अलमारी के हर एक कोने को ध्यान से तलाशने लगी, मगर इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जाने दिव्या अपनी जान की भी परवाह किए बगैर किसकी तलाश में लगी हुई है। इस कमरे में कुछ भी नहीं है। दिव्या ने थोड़ा परेशान होते हुए अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रख लिया और ध्यान से पूरे कमरे को देखने लगी। उसने इरिटेट होकर अपने माथे पर हाथ रख लिया और धीरे से खुद से कहा, मैं बेकार ही इस होटल की आत्माओं के पीछे इधर उधर भटक रही हूं।
यहां मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। लगता है ये तलाश कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहते ही दिव्या मायूस होती हुई जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, उसे अचानक से अपने पीछे वही लंबे बालों वाली लड़की की आत्मा नजर आई जिसके पीछे पीछे दिव्या यहां तक चली आई है। उस लड़की के लंबे बाल इस वक्त उसके चेहरे पर नहीं है और दिव्या उसके चेहरे को साफ देख सकती है। कौन है ये लड़की? उस लड़की का पूरा शरीर बुरी तरह से जला हुआ है और उसके शरीर से जगह जगह से खून और पस रिस रहा है। उसकी कलाई के पास एक हड्डी साफ नजर आ रही है और उसके जख्मों पर जगह जगह कीड़े भिनभिना रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो कीड़े नोच नोच कर उसके जिस्म को खा रहे हों। उसके चेहरे पर सिर्फ उसकी पूरी तरह से सफेद आंखें दिखाई दे रही हैं, जिनमें पुतलियां भी नहीं हैं, और जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दिव्या के चेहरे पर टिकी हुई हैं। अचानक से उस आत्मा को अपने सामने इस भयानक रूप में देखकर दिव्या अपने आप को संभाल नहीं पाती और लड़खड़ाकर पीछे गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी वो लड़की अपनी आधी अधूरी उंगली को अपने होठों पर रखते हुए दिव्या की ओर इशारा करती है। ये देखकर दिव्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अचानक से उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसके माथे पर पसीना साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। कौन हो तुम? दिव्या ने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उस आत्मा से पूछने की कोशिश की, मगर ऐसा लग रहा है मानो दिव्या की आवाज उस आत्मा तक पहुंच ही ना रही हो। वो सिर्फ दिव्या के चेहरे की तरफ देखे जा रही है। तभी उस आत्मा ने अचानक से अपना हाथ उठाया और दीवार पर लगी हुई एक बड़ी सी पेंटिंग की तरफ इशारा किया। दिव्या ने हैरानी से इस पेंटिंग को देखा, मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और बहुत ध्यान से उस पेंटिंग की तरफ देखने लगी, लेकिन बहुत देर तक भी जब उसे कुछ भी नजर नहीं आया तो उसने पीछे पलटकर उस आत्मा की तरफ देखा, मगर इस वक्त वहां पर कोई नहीं है। वो लड़की वहां से हवा की तरह गायब हो चुकी है। आखिर क्या है इस पेंटिंग के अंदर? तभी दिव्या के हाथ पर एक खून की बूंद ऊपर छत से गिरती है। ये देखते ही दिव्या के हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगते हैं और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर देखती है, जहां उस लड़की की आत्मा किसी मकड़ी की तरह छत पर तेजी से चल रही है। ये देखकर डर के कारण दिव्या की आवाज उसके गले से बाहर तक नहीं निकल पाती। दिव्या ये जानने के लिए कि आखिर उस जली हुई लड़की की आत्मा उसे बताना क्या चाहती है, वो आगे बढ़कर उस पेंटिंग को छूती है और तभी अचानक से वो पेंटिंग एक किनारे हो जाती है और वहां पर उस पेंटिंग की जगह एक दरवाजा नजर आने लगता है। ये सब देखकर दिव्या की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। अब तक उसने होटल राजमहल में बहुत कुछ होते हुए देखा था, मगर आज रात हर एक कदम पर उसे ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो उसने सपने में भी नहीं सोची थी। उसने धीरे से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा नहीं खुला। तब उसे समझ में आया कि शायद वो एक स्लाइडिंग डोर है और उसने तुरंत धीरे से अपना हाथ स्लाइड करके उस दरवाजे को खोल दिया। उस दरवाजे के अंदर एक छोटी सी जगह है जिसमें एक अलमारी रखी हुई है। दिव्या ने तुरंत आगे बढ़कर उस अलमारी को खोलने की कोशिश की, मगर उसमें डिजिटल लॉक लगा हुआ है। अब ये क्या नई प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई? अब इस सेफ का कोड क्या हो सकता है? दिव्या का चिड़चिड़ापन उसकी नाराजगी को साफ दिखा रहा है। उसने परेशान होते हुए कुछ नंबर्स का कोड उस डिजिटल लॉक में डाला, लेकिन तभी एक बीप की आवाज आई और उसका कोड रिजेक्ट हो गया। दिव्या ने गहरी सांस ली और एक बार फिर कुछ अलग नंबर का कोड उस डिजिटल लॉक में डाला, मगर इस बार भी फिर बीप की आवाज आई और वो लॉक नहीं खुला। मैं यहां तक आकर किसी भी कीमत पर हार नहीं मान सकती। मुझे देखना ही होगा कि इस अलमारी के अंदर ऐसा क्या है
जिसे इतना छुपा कर रखा गया है। दिव्या अभी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है और दिव्या धूल से बचने के लिए अपने एक हाथ को अपने चेहरे के आगे रख लेती है। तभी दिव्या के कान के पास अचानक से वही जली हुई लड़की की आत्मा पीछे से आकर उसके कान में बुदबुदाती है, 4, 2, 9, 1। ये सुनकर दिव्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां पर दिव्या को कोई दिखाई नहीं देता। दिव्या खुद से बड़बड़ाती है, ये तो उसका बर्थ डेट है। दिव्या जाने किन ख्यालों में गुम हो जाती है और कुछ देर बाद होश में आते ही कांपते हाथों से ये कोड डालती है और वो लॉक अपने आप खुल जाता है। दिव्या जैसे ही उस लॉक के खुलने की आवाज सुनती है, वो तुरंत अपना हाथ हटाकर हैरानी से उसको देखने लगती है। क्या यही वो पल है जब उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो इतने सालों से उसके मन को कौंध रहे हैं? मगर आज जब वो अपने मकसद के इतने करीब है, तो उसके मन में ना जाने क्यों एक अजीब सा डर और कश्मकश चल रही है। वो चाहकर भी उस अलमारी को खोल नहीं पा रही और डर से उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। तभी दिव्या ने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हाथों से उस अलमारी को खोला। उस अलमारी के लॉकर में उसे कुछ कागजात और एक बॉक्स मिला। दिव्या ने वो बॉक्स निकाला और उसे खोल कर देखा। उस बॉक्स के अंदर एक गोल्ड हार्ट शेप का लॉकेट रखा हुआ है। दिव्या ने धीरे से उस लॉकेट को खोल कर देखा तो उसके एक तरफ पर राजवीर की तस्वीर है और दूसरी तरफ पर एक लड़की की तस्वीर है। उस लड़की के लंबे बाल हैं और वो प्यार से खिलखिलाती हुई किसी परी की तरह नजर आ रही है। उस तस्वीर को देखते ही दिव्या अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका एक आंसू टपक कर सीधा उस लड़की की मुस्कुराती हुई तस्वीर पर जा गिरा। दूसरी तरफ दिव्या के साथ हो रही इन सारी चीजों से अनजान विशाल चैन की नींद सो रहा है। उसे इस तरह से सोता हुआ देखकर मुरली तुरंत चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ कुंभकर्ण के भाई, तू यहां सो रहा है और वहां देख मेरी लैला क्या कर रही है। कौन लैला? मेरी कोई लैला वैला नहीं है, विशाल ने नींद में करवट बदलते हुए जवाब दिया। अरे ये पागल मुरली किसी और की नहीं बल्कि तेरी दिव्या की बात कर रहा है। जाकर देख वो किस तरह से बड़े साहब के कमरे में जाकर तलाशी ले रही है। बंसी ने भी विशाल को जगाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे अगर वो तलाशी ले रही है तो उसे करने दो ना। तुम लोग क्या यहाँ मेरे सर पर आकर नाच रहे हो? मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। ये कहकर विशाल अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर एक बार फिर सोने लगता है। मगर तभी उसके कानों में मुरली और बंसी की एक साथ चिल्लाने की आवाज आती है, अरे व्हाट? उनकी ऐसी आवाज सुनकर विशाल की नींद तुरंत खुल जाती है और वो हड़बड़ाकर अपनी चेयर पर ठीक से बैठ जाता है। जाकर देख वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन वो है कहां पर? इतनी रात को वो इस तरह से कैसे जा सकती है? विशाल ने हैरानी से मुरली और बंसी से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, वो बड़े साहब के कमरे में गई है, राजवीर साहब के कमरे में। ये सुनकर हैरानी से विशाल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि एक लड़की जो बहुत ज्यादा डरपोक है, वो इतनी रात को इस भूतिया होटल में आखिर क्या तलाश रही है, और वो भी उस कमरे में जिसके बारे में ठीक से विशाल को भी कुछ नहीं पता। चल चल वहां पर चलकर देखते हैं कि आखिर वहां हो क्या रहा है। मुरली और बंसी विशाल से कहते हैं और वो तीनों राजवीर के कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं मल्लिका अपने कमरे में बैठी हुई इन सारी चीजों को देख सकती है। वो इस वक्त दिव्या के हाथ में वो लॉकेट बर्दाश्त नहीं कर पा रही और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। उसके हाथों में जगह जगह नसें उभर आई हैं और उसकी उंगलियों के नाखून
एक पल में काफी लंबे और नुकीले हो गए हैं, जिनसे वो चाहे तो चुटकियों में किसी की भी जान ले सकती है। वो अपने नाखूनों को अपने रॉकिंग चेयर में गड़ा देती है। उसकी सांसें इस कदर तेज हो चुकी हैं कि उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है, ऐसी आवाज जिसे सुनकर आदमी की रूह कांप जाए। वहीं अपने कमरे में मल्लिका ने गुस्से से चिल्लाकर दिव्या का नाम लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे होटल राजमहल में तलाशी लेने का? शायद तुम अपनी औकात भूल गई हो। तुम ये भूल गई हो कि आज भी ये होटल सिर्फ मेरा है और इसकी हर एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मैं आज तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दिव्या अभी भी उस लॉकेट को अपने हाथ में थामे खड़ी कुछ यादों में गुम है कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और दिव्या जल्दी से उस लॉकर को बंद कर देती है। दिव्या ने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने विशाल खड़ा होता है और दिव्या ने तुरंत उस लॉकेट को अपने हाथ में छुपा लिया। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि विशाल को यह पता लगे कि वो इस कमरे में क्यों आई है। मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रही होती है, उसी वक्त विशाल वहां पर पहुंच जाता है। दिव्या, यहां क्या कर रही हो तुम? विशाल दिव्या की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल करता है। ये सुनते ही दिव्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो गौर से विशाल को देखने लगती है। आखिर क्या राज है इस लॉकेट का और इसका दिव्या से क्या कनेक्शन है? दिव्या इस होटल राजमहल में क्यों आई है? क्या दिव्या का असली चेहरा विशाल के सामने आएगा? क्या दिव्या का सच जानकर विशाल उसे माफ करेगा? इस कमरे में जाने के लिए मल्लिका दिव्या को क्या सजा देगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।